जी टीवी पर इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स ने धूम मचा रखी है। शो में इस बार नन्हे कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरते नजर आ रहे हैं। इस शो को इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक, कुमार सानूर, उदित नारायण जज कर रहे हैं। मनीष पॉल इस शो को होस्ट कर रहे हैं। इस बार शो पर कमाल के नन्हे कलाकार आए हैं। कुछ नन्हे उस्तादों ने तो शुरू से ही सभी को अपना दीवाना बना दिया है। ऐसे ही एक नन्हे उस्ताद हैं जिनकी रगों में ही संगीत है। इनकी सात पुश्तें किराना घराने से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं जैद अली की, जिन्होंने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया है। इसके पहले जैद अली राइजिंग स्टार्स में भी नजर आ चुके हैं और अपनी ऑडिशन राउंड में जैद ने अपनी परफॉर्मेंस से जजेस को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। ऑडिशन में जैद अली ने मौला मौला गाया था। जैद की इस परफॉर्मेंस को देखकर जजेस जैद के पैर छूने पर मजबूर हो गए थे। एक बार फिर जैद ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर दिया है। जैद अली ने ग्रैंड प्रीमियर में भर दो झोली मेरी सरकार गाकर सभी का दिल जीत लिया। जूरी की ओर से जैद को इस गाने के लिए पूरे 100 मार्क्स दिए गए। वहीं तीनों जजेस भी जैद की इस परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आए। जजेस ने उनसे कहा कि तुम इतने छोटी होकर इतना अच्छा कैसे गा लेती हो। कुमार सानू जैद से सवाल करते नजर आए कि तुम इतना फ्लो में कैसे गा लेती हो। सभी ने जैद की जमकर तारीफ की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।